हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं नमकीन जवे बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टू द वीडियो। जवे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप जवे, रोस्टेड जवे हैं ये। अब मैंने 2 कप पानी लिया है। अब मैं इसको अच्छे से बॉईल करूँगी। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि जब वो पकेगा उस टाइम पर भी थोड़ा सा बॉईल हो जाता है। तो अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाऊंगी। अब मैंने फ़ैन लिया है, फ़ैन में मैंने 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसको मैं अच्छे से गर्म करूँगी। गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून जीरा, और अब मैंने एक छोटा सा ऑनियन डाला है, थोड़ी सी जिंजर और 1 ग्रीन चिली डाली है। इसको मैंने चारों साइड से ऐसे स्लिट कर लिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब मैंने इसमें डाला है मीडियम साइज़ का 1 टमाटर, और मैं इसको भी अच्छे से पकाऊंगी। मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मसाले डालूंगी। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1 छोटा आलू और थोड़े से स्वीट कॉर्न्स। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि मेरे आलू कच्चे हैं तो उनको पकने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला था इसमें। अब मैं इसे ढक दूंगी। 2 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे मेरे आलू। अब मैंने वो बॉईल जबे इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मसाले में मिला लूंगी। और मैंने जब वो बॉईल किए थे तो थोड़े से कच्चे रखे थे, क्योंकि यहाँ पर मैं जब पानी डालूंगी तो उसका अलग ही फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। अब मैं इसको थोड़ा ढक दूंगी। 2 मिनट के बाद मैंने इसको हटा के चेक किया और ये अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही डिलीशियस दिख रहे हैं। अब मैं गैस को बंद करूंगी और सबसे लास्ट में मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून नींबू का रस, और अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। और अब ये मेरा रेडी हो चुका है बनके। सो हियर इज़ माय फाइनल डिश। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये डिश, आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़।